रख सकते। एक डॉक्टर साहब अपने जो कीड़ों की दवाई देते हैं जानवर को, हाँ जी, ये कब देने हैं, लोडेड होने के बाद देने? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पुट अप किया है, क्योंकि भेड़ और बकरियों के अंदर बीमारियां हैं वो बहुत नुकसान पशुपालक को कर देती है, और बीमारियों से बचने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि डीवर्मिंग करना चाहिए समय समय पे। डीवर्मिंग साल में मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 4 बार, डीवर्मिंग 3 से 4 बार करना चाहिए। एक तो जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे अभी महीने पहले गर्मी से सर्दी का सीजन चेंज हुआ था, तो जब सीजन चेंज होता है फिर बारिश के सीजन से पहले, और मैं कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के समय, एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी का मतलब जब बकरी को 4th और 5th महीना लग जाता है, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले का जो टाइम है उस समय, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले डीवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। आपको डीवर्मिंग करनी है तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय आप डीवर्मिंग कर सकते हैं, या बच्चा देने के 10 दिन बाद आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। जब भी वैक्सीनेशन करवाना हो, चाहे आप ईटी की वैक्सीनेशन करवाते हैं या पीपीआर की करवाते हैं या कोई दूसरी बीमारी की वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन हमेशा डीवर्मिंग करवाने के बाद करनी चाहिए, पहले डीवर्मिंग और उसके 10 दिन बाद में वैक्सीनेशन। तो डीवर्मिंग बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। और डीवर्मिंग के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगा, कभी भी सेम दवा को रिपीट नहीं करना है। जैसे इस बार अपन ने एल्बेंडाजोल काम में लिया है, तो एल्बेंडाजोल अगली टाइम में नहीं लेना, अगली बार अपने को साल्ट चेंज करके डीवर्मिंग करवानी चाहिए। और नेचुरल डीवर्मिंग का एक साधन संसाधन मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हींग, देसी हींग और सरसों का तेल। यदि पशुपालक या बकरी पालक अपनी बकरी को महीने में 1 बार भी दे देता है, तो वो काम डीवर्मिंग की जो एल्बेंडाजोल, फेलबेंडाजोल या जो पाइपराजिन जो भी साल्ट है उससे अच्छा रिजल्ट है। देसी हींग जो अपने आती है, छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसके यहाँ पे पेट पे बांधते हैं, उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जब बाहर से बांधने पे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं तो अंदर खिलाने से तो उसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आएगा। तो देसी हींग बकरी पालक अपने बकरियों में 5 से 7 ग्राम हींग और 15 से 20 ग्राम सरसों का तेल मिक्स करके खिला सकते हैं। हर महीने में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं आएगा मिनिमम कॉस्ट के अंदर, और अपने को शानदार रिजल्ट है वो उससे मिल सकता है।